सर्वप्रथम बागेश्वर सरकार की जय। प्रीतम सिंह लोधी जैसे सनातनी विरोधी, सनातन धर्म विरोधी जो पूर्व में भाजपाई रहे, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो भाजपाई था। भाजपा के राज में उसके ऊपर 43 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। आप विश्वास कर सकते हैं आदरणीय मोदी और योगी के राज में कोई क्रिमिनल भाजपा में आ सकता है? जैसे भूमाफिया, गुंडे, बदमाश, चरित्रहीन, सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकती। प्रीतम सिंह लोधी जैसी ऊंची मानसिकता का व्यक्ति, उसको कहीं से फाइनेंस किया जा रहा है, वो अपनी गंदी सोच के माध्यम से एक सनातनी संत बागेश्वर सरकार जैसे महान संत के, जो उन कुछ लोगों में है जो धर्म के प्रति खुलकर बोलते हैं, भक्तों को बताते हैं कि सनातन है क्या, उनके विरुद्ध इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना। जो महिलाएं आगे बैठती हैं, सनातन धर्म में महिलाओं को, नारियों को शक्ति का रूप कहा गया है, वो सारी माताएं बहनें, हम सभी लोग अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाते हैं। सनातन धर्म में नारी को माँ दुर्गा के रूप में माना जाता है, अग्रे नारी पूजते। सनातन धर्म कहता है, प्रीतम सिंह लोधी कह रहा है कि कथावाचक, प्रीतम सिंह लोधी कहता है कि कथावाचक नारियों को आगे बैठाती है, उन्हें ताड़ती है। यह किस दृष्टि से उसने कहा? सर्व समाज में साध्वी उमा भारती भी एक संत हैं, उनको सर्व समाज में एक संत के रूप से उठा करके साध्वी के रूप से एक नेता बनाया। आज वह जन जन की चहेती रही। सुनने में ये भी आया है कि ये उनके करीबी रिश्तेदार कहे जाते हैं, जैसा कि कहा गया है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो कहा गया है कि उनके करीबी रिश्तेदार भी, इनकी इस घृणित मानसिकता से ये लगता है कि प्रीतम सिंह लोधी सनातन धर्म को अनुयायी करने वाले व्यक्ति, सनातन धर्म को मानते हैं। उनकी संकीर्ण सोच, कथावाचक सर्व समाज में होते हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक नहीं है, अनेकों समाज में कथावाचक है। सर्व समाज उनको एक सम्मान की नजरों से देखता है। परम पूज्य कथावाचक बागेश्वर सरकार मानते हैं, क्या इस प्रकार की सोच रखते हैं? अगर वो सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, तो उनके विरुद्ध ये दुष्प्रचार क्यों? सुनने में ये भी आया है कि हमारे ललितपुर जिला के कुछ संभ्रांत व्यक्ति, जो बड़े बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में पदस्थ पदाधिकारी, उनके परिवार के लोग भी गाड़ियों से एक काफिला बना करके पिछड़ गए थे। मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी जिला ललितपुर जिला अध्यक्ष, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। जो सनातन का विरोधी होगा, उसे भारतीय जनता पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा आग्रह है, समस्त भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों से निवेदन है कि जो भी सनातन का विरोधी है, वह भारतीय जनता पार्टी में रहने का अधिकारी नहीं है। जी, मेरा मानना तो ये है कि आदरणीय राजकुमार जैन जी चूना, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ललितपुर है, उनकी कार्यप्रणाली कितनी त्वरित कार्रवाई करती है। चूंकि ये गए थे, कुछ लोग गए हैं, संभ्रांत लोग गए हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के परिवार के लोग गए, ये सर्वविदित है, सभी को पता है। मेरा निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सनातन विरोधियों की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।